मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि 18 वर्ष तथा इससे अधिक आयु की स्पीति घाटी की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में प्रतिमाह 1500 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसमें छोमो या नन भी शामिल है। इनकी संख्या 5000 के करीब है। मंत्रिमंडल ने व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टाम्प ड्यूटी के एकत्रीकरण के लिए प्रदेश में स्टाम्पिंग आरंभ करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि स्टाम्प पेपर का मुद्रण तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए तथा स्टाम्प विक्रेताओं को प्राधिकृत एकत्रीकरण केंद्र के रूप में प्राधिकृत किया जाए। मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक स्टाम्प पेपर तथा ई स्टाम्प पेपर की दोहरी प्रणाली को जारी रखा जाएगा तथा 1 अप्रैल 2024 से भौतिक रूप से स्टाम्प पेपर पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे। बैठक के दौरान सभी पात्र विद्यार्थियों को सीधे लाभ हस्तांतरण के माध्यम से स्कूल की वर्दी के लिए 600 रुपए प्रदान किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने बजट घोषणा के अनुसार राजस्व विभाग के नंबरदारों के मानदेय को 3200 रुपए से बढ़ाकर 3700 रुपए प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से प्रदेश के 3177 नंबरदार लाभान्वित होंगे। बैठक के दौरान राजस्व चौकीदार तथा अंशकालिक कार्यकर्ताओं के मानदेय को 5000 रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेश के लगभग 1950 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने अटल टनल योजना क्षेत्र गठित करने तथा अटल टनल योजना क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग को बंद करने का निर्णय लिया। अटल टनल योजना क्षेत्र में जिला लाहौल स्पीति के राजस्व गांव भी शामिल है। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर के 50 पदों तथा जूनियर ड्राफ्ट्समैन के 30 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की। बैठक के दौरान जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अभियंता के 15 पदों, मंत्रिमंडल ने सहकारिता विभाग में सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति के 3 रिक्त पदों तथा जिला कांगड़ा स्थित राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला में सीधी भर्ती के माध्यम से आयुष विभाग में लेक्चरर के 4 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की है। न्यूज डेस्क एनिमल लाइफ।